Oh no! Oh no! Oh yeah! तो स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं खेलने वाला हूँ एक नया गेम हाउस फ्लिपर्स। इसमें हम एक घर खरीदेंगे, उसको रेनोवेट मारेंगे, पूरा एकदम चकाचक कर देंगे और उसके बाद उसको महंगे दामों में बेचेंगे हम मार्केट में। तो उसके लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, जिसके लिए मैं आया हूँ, कुछ लोगों के लिए काम करने, फ्रीलांसिंग करने आया हूँ मैं। किसी घर की साफ़ सफाई करनी है, कूड़ा वूड़ा फेंकना है और एक रेडिएटर लगाना है। तो अभी सफाई चालू कर देते हैं हम, बढ़िया एकदम झाड़ू लेके टेबल वेबल साफ़ कर दो। इसका काउच कितना गंदा है भाई, कूड़ा उठा लेता हूँ पहले, डब्बे वब्बे कूड़ा वूड़ा सब उठा फेंक वहाँ। ये भी उठा लो, उठा ले उठा ले उठा लो सब कुछ। कैन, बियर के कैन, रात को पार्टी चल रही थी यहाँ पर, हाँ पार्टी शार्टी हो रही थी। चेयर को ज़रा सीधा लगा दे, बढ़िया एक तरीके से एकदम। ये सही लगा हुआ है तो इसको यहीं रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, वापस लगा दो इसको। चेयर एक और बढ़िया, इसको सीधा गमला उठाओ, गमले को टेबल पे रखो, नीचे कौन रखता है। चेयर सेट कर देते हैं, गार्बेज उठाओ, नाइस। काउच पूरा भाई गंदा हो रखा है, कीचड़ वीचड़, ऐसे कीचड़ में नहा के आया था क्या फिर इनके घर पर, पता नहीं। बाथरूम में वो खून भाई, खून लगा हुआ है, कतल वतल हुआ है यहाँ पे किसी का लग रहा है मुझे। कतल के बाद सफाई के लिए बुलाया गया मुझे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। न्यूज़ पेपर वगैरह पड़े हैं, उठा लो। लेवल अप, स्किल पॉइंट एक्वायर कर सकता हूँ मैं एक, तो स्किल पॉइंट एक्वायर कर लेते हैं। स्लीप टैबलेट ओपन करा, साफ सफाई करनी है, तीन काम मेरे पास। पर्क्स में चलते हैं, क्या अपग्रेड करूँ, डर्ट ऑन मेरी मैप 25% फास्टर क्लीनिंग और गुड मैप। फास्टर क्लीनिंग स्टार्ट यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी हाथ चलेंगे तो जल्दी काम होएगा। तो साफ सफाई कर देते हैं इस कमरे की पूरी, लगभग हो गई, बेडरूम का साफ हो गया। बाहर ये कीचड़ वीचड़ साफ़ कर देता हूँ मैं एकदम फटाफट, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल चमकदार चमकता रहना चाहिए चेहरा, चेहरा घर का चेहरा, घर बिल्कुल गंदा दिखना नहीं चाहिए। ये साफ हो गया, बाथरूम साफ कर दो। ये खून भरा सिंक भी साफ कर देते हैं, किसी को पता ना चले यहाँ पे कत्ल हुआ है, किसी को पता नहीं चला जी। बाथरूम भी साफ हो गया, अब क्या साफ सफाई करें, क्या बचा है, कहीं दिख तो रहा नहीं कुछ बचा। क्लीन डर्ट एंड माउंट अ रेडिएटर, दो बचे हैं, एक रेडिएटर ठोक लेंगे घर में और 2% साफ सफाई कहाँ से करें बे। रेडिएटर तो दिखाई नहीं था मार्केट में, ये क्या बकवास है, मिट्टी कहाँ है समझ नहीं आ रहा, मिट्टी मिट्टी कहाँ पे है, साफ यहाँ भी साफ है, ये कोना कोना साफ कर दिया मैंने, फिर भी वो मिट्टी दिखा रहा है, 98% क्लीन, ये क्या बकवास, ये तो चीटिंग है रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। ये साफ करके देखो क्या नहीं हो रहा इससे भी, बाथरूम भी पूरा साफ पड़ा है, इसको भी साफ कर दिया, इसको उठा के कहीं लगाना हो, नहीं ये भी सही लगा हुआ है, तो करा क्या जाए, सफाई किसकी करें, सब कुछ तो साफ दिख रहा है। इसके नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे उठा के देखता हूँ, नीचे भी कुछ नहीं है भाई, कहाँ है सफाई, समझ नहीं आ रहा। बाथरूम साफ हो गया, बेडरूम साफ हो गया, लिविंग रूम में दिक्कत है थोड़ी, 2% क्लीन नहीं कर रहा है। रेडिएटर लगा देता हूँ, सस्ता वाला लगाऊंगा, $44 वाला, कहाँ लगेगा रेडिएटर, रेडिएटर कहाँ लगेगा। फॉर नाउ यू हैव अ टैबलेट एट योर डिस्पोजल, टैब टू यूज और हाइडेट। अरे ये रहा रेडिएटर भाई, यहाँ ठोकना है, लगाओ, कस देते हैं रेडिएटर को एकदम फटाफट, पेच कस देते हैं दोनों, आगे वाला पीछे वाला, बढ़िया। इस रेडिएटर को भी पेच कस दो, मस्त एकदम चलना चाहिए, गर्म एकदम, सर्दी में गर्म हवा, रेडिएटर हो गया 98% क्लीनिंग, भाई कहाँ गंदा रह गया समझ नहीं आ रहा। टीवी टेबल के नीचे धर दिया, बताओ मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे भी गंदा नहीं है, गंदा कहाँ रह गया, सब कुछ तो साफ है। टीवी वापस रख देता हूँ ताकि उनको खबर ना हो कि मैंने छेड़छाड़ करी है टीवी के साथ, सोफा भी वापस रख दो,
मुझे नहीं दिख रही भाई गंदगी कहीं भी, मैं पागल हो चुका हूँ साफ सफाई करते करते। मुझे इस पूरे में कहीं गंदगी नहीं दिख रही। एक बार ऐसी झाड़ू मार देगी हर जगह, क्या पता साफ हो जाए। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है, किधर है रे बाबा। ख़त्म करो जॉब, कंप्लीट करो, 99% कंप्लीट है जॉब, कंप्लीट करो। पैसा मिलेगा $770, $777 मिले हमें इस पूरी मेहनत के, जो कि बहुत ही कम है, पर ठीक है। हमारी पहली जॉब, पहला पैसा आया है, थोड़ा सा बैंक में जुड़ा है पैसा अपना घर खरीदने के लिए। दूसरा, दूसरी जॉब ढूंढते हैं, कुछ मिलती है तो पहले अपने ही घर को साफ कर लेता हूँ, नहीं तो मैं कैसे सोऊंगा। कूड़ा वूड़ा उठा लेता हूँ, बाकी पड़ा रहने तो बाद में देखेंगे। लैपटॉप पे चलते हैं। कैरोलाइन स्मिथ क्लीनिंग द गार गैराज। कैरोलाइन स्मिथ का हमारे पास मेल आया कि इसे गैराज साफ करवाना है अपना, इसे हमारी हेल्प चाहिए। इसने हमें रख लिया है काम पे फ्रीलांसिंग में गैराज साफ करने के लिए, तो चलते हैं इसके घर फटाफट। सब गैराज पूरा साफ कर देंगे, एकदम साफ। पहुंच चुके हैं हम कैरोलाइन के घर। अरे भाई कितना गंदा गैराज है भाई, डब्बे वब्बे साइकिल वाइकिल सब ऐसे ही बड़ी अच्छी भाई अच्छी। डब्बे उठा दो, साइकिल को उठाओ कोने में रखो थोड़ी साफ सी जगह पर। अरे 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 टायर, टायर क्यों चल रहे हैं, भगाओ इन सब टायरों को। इस साइकिल को भी उठा के हम जरा साफ सी जगह रख देते हैं, बढ़िया। अब गार्बेज कलेक्ट करो, टायर उठाओ। अच्छा ये नए टायर है, ये नहीं उठाने, सॉरी नए टायर चुरा ले जाता मैं इनके, गंदे पुराने टायर उठाओ फेंको, हटाओ, कलेक्ट कर लो सारा गार्बेज, इसको बाहर जाके कूड़े की डेयरी में फेंक देंगे। चुगलो चुगलो सारा डब्बा गायब, एक भी कूड़ा कटकट कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है औजार उठा लूँ क्या, औजार चुपचाप औजार उठा लूँ क्या, जाने दो। दूसरा जॉब है, पुलिस वुलिस बुला ली तो अंदर घर दिखवा देंगे। गार्बेज सारा क्लीन हो चुका है, डब्बे वब्बे एक्स्ट्रा सामान सारा, टायर वायर फटे पुराने टायर सब उठा लिया। अब जरा झाड़ू ले लेते हैं साफ सफाई के लिए। टेबल साफ कर दो, टेबल पे कितना गंदा है, दाग लगे हुए हैं टेबल पे, क्या साफ रखता है, कीचड़ वीचड़ पूरी गंदी हो रखी है, साफ करो इसको पूरा। टायर के मार्क्स, एक स्किल पॉइंट मिल गया मुझे, बहुत ही बढ़िया। पहले साफ सफाई कर लेते हैं पूरी एकदम चकाचक, कीचड़ साफ करो बढ़िया तरीके से, लगे रहो कीचड़ साफ करेंगे। पूरा गैराज एकदम चमका दूंगा मैं, ताकि ये एक्स्ट्रा पैसा दे दे मुझे, टिप दे दे कुछ, अगर टिप दे सकती है तो। टायर के मार्क्स भी साफ करने हैं, टायर के मार्क्स भी मिटा दूंगा मैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा इस गैराज में गाड़ी भी खड़ी थी। सारे टायर मिटा दूंगा मैं, सारे नामो निशान मिटा दिए जाएंगे, राज की बात है राज रह जाएगी। चलो भाई साफ सफाई हो गई, खिड़की साफ करनी है हमें, झाड़ू से ही नहीं, झाड़ू से नहीं होगी, इसके लिए तो अलग सही है मस्त सा, इससे हम करेंगे खिड़की साफ। चलो शुरू कर देता हूँ, बीच में से साफ करता हूँ, कोना कोना साफ लेंगे और पूरी खिड़की एकदम चमचमाती हुई चमक जाएगी। लगे रहो कोना कोना देख के, कोना कोना बच गया, कोना रह गया, कोने से साफ, कोने से साफ, बहुत ही सही, आराम से प्यार से एकदम बढ़िया काम करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। चलो चलो हो गई खिड़की साफ, लग गई, नीचे का पोर्शन रह रहा है इसको भी साफ कर देता हूँ मैं, और एकदम चमचमाती हुई खिड़की। मैडम साहब आपकी खिड़की पूरी, आपका गैराज साफ हो चुका है मैडम, $470.80 मिलेंगे हमें इस काम के, बहुत ही बढ़िया। जरा बाकी लोगों को भी बताना कि हम अच्छा काम करते हैं, ताकि वो भी हमें काम पर रखें। आई एम अ फ्री लांसर बॉब द बिल्डर, योर ओन फोटोज एंड इमेज, हैव यू नोटिस दैट यूजिंग गैलरी टैब ऑन द टैबलेट, पता नहीं क्या, छोड़ो अभी काम नहीं करते। थोड़ा सा टेबल साफ कर देता हूँ मैं अपनी, और थोड़ा कमरा भी कहीं गंदा है क्या, ये रहा थोड़ा सा गंदा, इसको साफ कर देते हैं। चलो स्टोव भी साफ कर देता हूँ, चाय अच्छी बनेगी, प्लेट भी साफ कर देता हूँ, खाना खाने में थोड़ा मिट्टी विट्टी कम आएगी मुँह में। पिछले दिन मैं पराठे खा रहा था और इस
टेबल पे मिट्टी मिट्टी थी, पराठों में मिट्टी आ गई, बताओ साफ करना पड़ेगा। रेडिएटर्स आई विल पे यू इफ यू आई एम फुली सेटिस्फाइड। चलो एक और काम मिल चुका है हमें फ्रीलांसिंग, मैडम जी के घर पे जो गैराज साफ किया था हमने, उसकी खबर चारों तरफ फैल चुकी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही काम मिल रहा है। 3 प्रोजेक्ट हमारे पास आ चुके हैं। मैं आ चुका हूँ सर जी के घर पे, हमारे पास 3 कमरे हैं, 1 में रेडिएटर लगाना है, 3 में रेडिएटर लगाना है। पहले इसका रेडिएटर लगाते हैं, सस्ता वाला लगाएं कि महंगा वाला? सस्ता लगाएं, $44 का रेडिएटर लगाओ। पेज कस देते हैं इसके रेडिएटर के, एक नंबर। बढ़िया काम चल रहा है बॉब द बिल्डर का, बहुत ही बढ़िया, एकदम झकास। स्किल पॉइंट मिल गया एक और, बेहतरीन काम चल रहा है हमारा अभी तक। यहाँ पे एक रेडिएटर लगाना है और यहाँ पे सिंक लगाना है। पेज खोलो दोनों, सिंक लगाने के लिए थोड़ा पेज तो खोलना पड़ेगा ना, तो इसको खोलो। सिंक रेडिएटर लगाते हैं, टॉवल रेडिएटर, ये क्या होता है, माउंट टॉवल रेडिएटर, ओहो नया तरीका। पेज कस देता हूँ इसका, ऊपर टोपी लगा दो, पेज कस दो, टोपी लगा दो, नाइस। इसको भी कस देते हैं, बढ़िया, दोनों पेज कस देंगे ताकि ये गिरे ना, कहीं पता चला बंदा नहा रहा है, टॉवल टंगा रहा है और लुढ़क गया, उसके टांट पे गिर गया, क्या फायदा, नाम खराब होएगा हमारा, नाम नहीं खराब होगा। सिंक लगा देते हैं अब, एक कौन सा सिंक लगाऊं भाई, महंगे महंगे सिंक है, सबसे सस्ता सिंक लगाऊं, एकदम प्लेन काले कलर का लगाऊंगा, और मैं तुम्हारे घर में सफ़ेद दीवार पे काला सिंक बढ़िया लगेगा, लगा दो। असेंबल कर देते हैं सिंक, दोनों रॉड फिट, बढ़िया सिंक फिट हो गया एकदम। पेज कस देते हैं जी, बहुत ही बढ़िया, दूसरा पेज कस दो, बहुत ही बढ़िया। पाइप लगा देते हैं दोनों, पाइप को कनेक्ट कर देते हैं आप, इसको इसमें, इसको इसमें, बहुत ही बढ़िया। नीचे पहले दोनों पेज कस दें पाइपों के, बढ़िया पाइप फिट हो गई है एकदम। पता चला पाइप भी छोड़ दी, सिंक में से पानी नीचे गिर रहा है, फिर नाम खराब होगा, नहीं करना है इसको, बढ़िया एकदम काम करेंगे हम, कोई दिक्कत वाला नहीं। फिटिंग लगा देते हैं एकदम प्लास्टिक की, उसकी प्लम्बिंग का काम बहुत बढ़िया, हम प्लम्बिंग का भी काम करते हैं, मतलब बॉब द बिल्डर प्लम्बिंग भी करता है। अब क्या करना है, कंप्लीट द जॉब, एक और रेडिएटर लगाना है ना, एक रेडिएटर और लगाना है इस कमरे में। 3 रेडिएटर फिट करने का काम दिया था इसने हमें, जिसमें से $100-200 तो रेडिएटर खरीदने में लग गए, बदतमीज आदमी, पैसा कम दिया ना मारूंगा बहुत। इतनी मेहनत का काम है, इतने बड़े बड़े रेडिएटर लेके आया हूँ मैं ठा के 3, तू अगर आप मेरे को काम नहीं देगा ना तो मारूंगा बहुत, पैसा चाहिए पूरा मेरे को। काम कंप्लीट, स्किल पॉइंट भी कंप्लीट, पूरा काम हमने बेहतरीन तरीके से किया। 3 रेडिएटर लगाने थे, 3 रेडिएटर हमने लगा दिए हैं, 3 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। पर्क्स में चलते हैं, सफाई के लिए मिनी मैप पे डर्ट मिल जाएगी इससे, चलो बढ़िया। हैंडीमैन का काम है, क्या करा जाए, फिटिंग फास्टर लगा दो, फिटिंग फास्टर कर देता हूँ, और -2% ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स बेटर है मेरे को लग रहा है, ये बढ़िया रहेगा। या 10% एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द जॉब, ये कर लेते हैं, 10% एक्स्ट्रा पेमेंट, और 20% फास्टर प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग तो अभी तक मैंने करी नहीं, फिर भी 20% फास्ट करवा रहा है, चलो कोई नहीं चलने दो, क्या जा रहा है। काम पूरा हो चुका है, टास्क कंप्लीट हो चुका है, टास्क को एंड करते हैं, जॉब कंप्लीट करते हैं और इनके घर से चलते हैं अपनी छोटी सी बिजनेस झोपड़ी में, ऑफिस मेरा जो है। अब यहाँ पे दूसरी जॉब देखते हैं, एक अमेंडा जॉनसन की है, जो कि चाहती है कि मैं इसके इलेक्ट्रिक सॉकेट ठीक करूँ, घर के सॉकेट्स खराब है इसके। दूसरा है बेबी ऑन द वे, मैट मार्लो, जो कि एक
पिताजी बनने वाले हैं, उनके घर में एक बेबी आने वाला है, वो अपना पूरा घर रेनोवेट करवाना चाहते हैं। इन दोनों जॉब्स को मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।